नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह शेखावत और ये जो साइड में दिख रहा है आपको, ये है इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर जो कि हुआ था दिल्ली में राजरीफ सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 27 जून को इंडियन आर्मी के पेपर हो सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके उसके लिए मैं आपके लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर। इसको मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल के दिखाऊंगा। आप भी साथ साथ इसको जब क्वेश्चन बोलो उसे रोक के और अपना आंसर निकालें और मैच करें, अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने इंडियन आर्मी का पेपर, सोल्जर जनरल ड्यूटी, राजपूताना राइफल सेंटर, दिल्ली कैंट, IRO। तो इसको देख लेते हैं एक बार। मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है 100 एंड पासिंग मार्क्स है 35, ड्यूरेशन है 60 मिनट्स। तो आइए सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर GK के 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इस, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है ए 6 ईयर्स, बी 5 ईयर्स, सी नन ऑफ दीज, डी 2 ईयर्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है 6 ईयर्स, यानी 6 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए चांद बीवी, ऑप्शन बी सुल्तान रजिया, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी नूरजहां। तो इसका आंसर है दोस्तों सुल्तान रजिया, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसको वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बहुत मदद मिलेगी आपको, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3, द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया इज कॉल्ड द डैश, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश है। ऑप्शन ए ऊपर वारी दोबाल नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी जो है वो है सरहंद कैनल, ऑप्शन डी है यमुना कैनल। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट डैश डिग्री मेरिडियन, भूमध्य रेखा डैश डिग्री मध्यहान पर स्थित है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 180, सी 60, डी 90। तो इसका हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मसूरी, उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, कंबाला रेस ए ट्रेडिशनल बफेलो रेस इज बींग हेल्ड इन, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन सी। आप में से कोई एक लकी विनर जीत सकता है स्मार्टफोन, रनिंग शूज, स्मार्ट वॉचेस। आपको सिर्फ आर्मी रोल फिटनेस को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखना है आई एम सब्सक्राइब टू योर चैनल एंड लास्ट में आपका नाम। क्वेश्चन नंबर 7, खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय, ऑप्शन बी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी सूरत, डी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इस, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश में है। तो ऑप्शन ए मनावली कुरीची, ऑप्शन बी वाशी, ऑप्शन सी जादूगुड्डा, ऑप्शन डी गोरी बिदानूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जादूगुड्डा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी गंधार, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी मगध। दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मगध। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो कौशल है वो भी बुद्ध के लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही सही आंसर है, जो अवंती और गंधार है वो जुड़े हुए नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11,
द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। ऑप्शन ए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी विशिष्ट आर्द्रता, ऑप्शन बी सैचुरेटेड एयर यानी भरी हुई हवा, ऑप्शन सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षित आर्द्रता, ऑप्शन डी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी शुद्ध आर्द्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैचुरेटेड एयर यानी भरी हुई हवा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज एडमायर्ड एज टेम्पटियस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस इन शिकागो। 1853 के शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 13 तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट ट्राइब ऑफ धौलाधार रेंज, निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी गद्दी, ऑप्शन सी अबोर, ऑप्शन डी लेपचा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चेन्नई, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर 15, हेडक्वार्टर ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल कर्नाटक का, किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल कर्नाटक में स्थित है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन है कनाडा बैंक, ऑप्शन बी विजय बैंक, ऑप्शन सी सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन डी कॉरपोरेशन बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंडिकेट बैंक। तो दोस्तों सेक्शन बी आता है, इसमें जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, पर्यावरण तंत्र समावेश है। ऑप्शन ए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स निर्जीव घटक, ऑप्शन बी लिविंग कंपोनेंट्स जीविक घटक, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव कोई नहीं, ऑप्शन डी बोथ ए बी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17, ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट हॉट वाटर ऑन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो इसका ए है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी ए सनी डे यानी धूप वाले दिन, ऑप्शन सी ए क्लाउडी डे यानी बादल वाले दिन, ऑप्शन डी ए विंडी डे यानी वायु वाले दिन। तो दोस्तों इसमें पूछा है सोलर वाटर हीटर का है, हम किस दिन यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बादल वाले दिन ए क्लाउडी डे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं, हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए डिमित्री इनोविच मेंडलीव, ऑप्शन बी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी जॉन न्यूलैंड, ऑप्शन डी जे डब्ल्यू डब्रेनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन न्यूलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ऑल ऑफ दीज इन सब में, ऑप्शन बी सोयल मिट्टी में, ऑप्शन सी वाटर पानी में, ऑप्शन डी एयर यानी हवा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑल ऑफ दिस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन ए केन शुगर गन्ने की चीनी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी टर्पेंटाइन, ऑप्शन डी नाइलॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केन शुगर। क्वेश्चन नंबर 21, द सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपेंड ऑन कन्वर्जन लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज, कौन सा पदार्थ तरल से ठोस में परिवर्तन होने पर भी फैलता नहीं है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी वाटर यानी पानी, ऑप्शन डी टाइप मेटल यानी मुद्रण धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि टाइप मेटल मुद्रण धातु। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच इज द विटामिन दैट इज नॉट फाउंड इन एन एग, ऐसा कौन सा विटामिन है जो एक अंडे में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन सी, यानी कि सी ऑप्शन। अंडे के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता, विटामिन सी खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, सोने की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 197। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 79। अब है क्वेश्चन नंबर 24, टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, टॉक्सिकोलॉजी डैश का अध्ययन है ए मेटल धातु, ऑप्शन बी केमिकल सब्सटेंसेस यानी रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन सी वायरस यानी विषाणु, ऑप्शन डी फूड यानी खाना। तो इसका सही आंसर दोस्तों केमिकल सब्सटेंसेस यानी रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए C3H5, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी C4H10, ऑप्शन डी C2H5। तो दोस्तों इसका आंसर सही है CH4, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल, निम्न में से कौन सा धातु है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी बेरियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बेरियम। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉग ब्रेथ थ्रू देयर डैश, मेंढक अपने डैश से सांस लेते हैं। ऑप्शन ए आइज आंखें, ऑप्शन बी स्टोमक पेट, ऑप्शन सी गिल्स गलफड़े, ऑप्शन डी लंग्स एंड स्किन यानी फेफड़े और त्वचा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लंग्स एंड स्किन, ऑप्शन डी फेफड़े और त्वचा। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग मेटल अकर्स इन फ्री स्टेट, निम्न धातुएं खुली अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 29, द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन डैश, भोजन की ऊर्जा डैश में पाई जाती है, मापी जाती है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी सेल्सियस, ऑप्शन डी किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, इसके बाद में दोस्तों मैथ्स आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी इथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन सी। इसके अंदर मैथ के क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन इसमें भी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स एंड वाई, वेयर वाई इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवन बाय डैश। गुणांक एक्स और वाई का एलसीएम डैश है, जहां वाई जो है एक्स का गुणक है। तो ऑप्शन ए है वाई, ऑप्शन बी है एक्स, ऑप्शन सी है एक्स अपॉन वाई, डी है एक्स वाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाई। क्वेश्चन नंबर 32, इफ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर देन डैश, यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस टू का जीरो का वर्गमूल एक दूसरे के पारस्परिक है तो डैश। ऑप्शन ए पी पी इज नॉट इक्वल्स टू टू, ऑप्शन बी पी इक्वल्स टू टू, ऑप्शन पी इक्वल्स टू जीरो, ऑप्शन डी पी इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय टू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पी इक्वल्स टू टू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33, सॉल्व द सीक्वेंस 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65। इनके दोस्तों बीच का डिफरेंस निकाल के आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए 136, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 149, ऑप्शन डी 129। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 129, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट नीड्स 40% मार्क्स, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ए कैंडिडेट जस्ट पास्ड बाय गेटिंग 10 आंसर्स करेक्ट बाय अटेम्प्टिंग 15 ऑफ द टोटल क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन। एक परीक्षा में विद्यार्थियों को 40% अंक चाहिए, सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं, एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करके 10 सही उत्तर दिए, परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? तो इसका ऑप्शन है ए 25, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, सॉल्व 2.81 प्लस 0.002 प्लस 0.01। तो इसको हल करना है आपको।
तो ऑप्शन ए है 1.822, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 2.822, ऑप्शन डी है 2801। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.822। क्वेश्चन नंबर 36, द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाय 3 इज। 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग। यानी कि दोस्तों जैसे हम 3 से ले गए 3, फिर उसके बाद 6 आता है, तो 6 नहीं लेना है क्योंकि वो इवन नंबर है, उसको डायरेक्ट आपको 9 लेना है। सो ओनली इवन नंबर आपको इसमें ऐड करना है, उसका सम निकालना है। तो ऑप्शन ए है 876, ऑप्शन बी है 786, ऑप्शन सी है 867, ऑप्शन डी है 17। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 867। क्वेश्चन नंबर 37, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज। अपने मध्य से आवृत्ति वितरण के विचलन का बीजगणितीय का जोड़ हमेशा डैश होता है। ऑप्शन ए 0 यानी शून्य, ऑप्शन बी ए नॉन जीरो नंबर एक गैर शून्य संख्या, ऑप्शन सी लेस देन 0 शून्य से कम, ऑप्शन डी ग्रेटर देन 0 शून्य से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 0 शून्य। क्वेश्चन नंबर 38, 5 men do a piece of work in 12 days, in how many days will 6 men complete the same work? 5 व्यक्ति अगर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? ऑप्शन ए 10 डेज, ऑप्शन बी 7 डेज, ऑप्शन सी 8 डेज, ऑप्शन डी 9 डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 10 डेज 10 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। निम्नलिखित मिश्रित संख्या को अनुचित अंश के रूप में लिखें। 6 2 बटे 5, ऑप्शन ए है 33/5, ऑप्शन बी 32/5, ऑप्शन सी 31/5, ऑप्शन डी 34/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 32/5। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, राम बाइज ए न्यूज़पेपर फॉर 0.50 डेली, हाउ मच मनी ही विल हैव टू पे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। राम एक समाचार पत्र 0.50 पर लेता है तो जनवरी महीने के लिए उसे कितने पैसे देने होंगे? ऑप्शन ए RS 150, ऑप्शन बी RS 15.50, ऑप्शन सी RS 120, ऑप्शन डी RS 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 15.50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन हुज एरिया इज 5625 स्क्वायर मीटर। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 5625 स्क्वायर मीटर है? ऑप्शन ए 300 मीटर, ऑप्शन बी 1200 मीटर, ऑप्शन सी 1300 मीटर, ऑप्शन डी 1600 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 मीटर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, विथ ए एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। इफ इट गोज विद द एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 15 मिनट्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ होल जर्नी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से चलने वाली एक रेल अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उसे उस दूरी को तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो कुल दूरी बताओ। ऑप्शन ए 40 किलोमीटर, ऑप्शन बी 70 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 70 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स आर RS 3500, द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज RS 4000, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल इज। 2 टेबल और 3 कुर्सियों का कुल लागत रुपये 3500 है, 3 टेबल और 2 कुर्सियों की लागत रुपये 4000 है, तो एक कुर्सी और एक टेबल की लागत कितनी होगी? ऑप्शन ए 6500, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 1500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 1500। क्वेश्चन नंबर 44, इफ x प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2। क्वेश्चन नंबर 45, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, इसके बाद में आएगी दोस्तों रीजनिंग जो कि 5 क्वेश्चंस की होती है।
तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए बिजनेसमैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। हाउ मच अबाउ द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 8%। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो व्यापारी अंकित मूल्य पर कितना बढ़ाएगा कि 8% लाभ हो। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20%। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन डी लास्ट सेक्शन है ये। इसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग के क्वेश्चन है सारे। सुरेश द सन ऑफ महेश इज मैरिड टू सिया, हूज सिस्टर जिया इज मैरिड टू अमर द ब्रदर ऑफ सुरेश। हाउ इज जिया रिलेटेड टू महेश। महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया के साथ हुआ, जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई अमर से हुआ। जिया महेश से कैसे संबंधित है। ऑप्शन ए सिस्टर बहन, ऑप्शन बी डॉटर इन लॉ बहू, ऑप्शन सी कजिन चचेरे भाई, ऑप्शन डी सिस्टर इन लॉ भाभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉटर इन लॉ बहू। क्वेश्चन नंबर 47 द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, व्हाट डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो। गए हुए परसों शनिवार था, तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए फ्राइडे यानी शुक्रवार, ऑप्शन बी थर्सडे यानी गुरुवार, ऑप्शन सी वेडनेसडे यानी बुधवार, ऑप्शन डी ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेडनेसडे बुधवार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट द सीक्वेंस DEF, DEF2, DE2F2, DE2F3। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है D2E3F, ऑप्शन बी है D2E2F2, ऑप्शन सी है D3EF1, ऑप्शन डी है DEF1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी D2E2F2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज फिश स्कूल। निम्नलिखित के लिए दिए गए विकल्प को में से सही विकल्प को चुनिए, मत्स्य मत्स्य वर्ग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है एलिफेंट जंगल हाथी जंगल, ऑप्शन बी काउ फार्म गाय खेत, ऑप्शन सी हर्ड पिकॉक झुंड मोर, ऑप्शन डी वोल्फ और पैक भेड़िया झुंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वोल्फ और पैक। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पेपर सेट का, इसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। तो शू ऑलवेज हैज डैश, जूते में हमेशा डैश होता है। ऑप्शन ए स्ट्रैप, ऑप्शन बी सोल्स यानी तलवा, ऑप्शन सी लेदर यानी चमड़ा, ऑप्शन डी लेसिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोल्स, जूते में हमेशा तलवा होता है। तो दोस्तों ना भूलें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों उनके लिए ये बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है बहुत हार्ड है, इससे फ़ायदा मिलेगा जो कि आगे आने वाले पेपर हैं उनमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे लड़के। और हमारे वीडियो दोस्तों आपको अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है एक प्रकार का, जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें,